अजनी प्लीज डोंट कॉल मी, लीव मी अलोन। अविनाश प्लीज फोन मत रखना, ये मेरा लास्ट कॉल होगा अविनाश प्लीज। ठीक है बोलो। अविनाश हमने जो कुछ भी किया उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी हमें इतना कुछ भुगतना पड़ा और मैं तो अभी तक भुगत रही हूँ, लेकिन मैं साबित कर सकती हूँ कि हम बेकसूर हैं, पर मुझे इसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। सॉरी अजनी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अविनाश प्लीज ऐसा मत बोलो। अजनी मैं पहले तुम्हारी वजह से समाज में अपना मान सम्मान सब कुछ खो चुका हूँ, वो भी एक बार नहीं दो बार। तुमको तुम्हारे ससुराल वालों को इस बार जो हंगामा करना है करो, लेकिन इन सब में मुझे मत घसीटो प्लीज। सॉरी आई कांट हेल्प यू। प्लीज ये आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद मांग रही हूँ अविनाश। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना आत्मसम्मान, अमन भाभी और सबसे बड़ा राजवीर का भरोसा। ये सब वापस हासिल करने के लिए सिर्फ एक मौका है मेरे पास और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बदकिस्मती से हमारी शादी टूट गई, लेकिन किस्मत ने हमें वापस एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की मदद कर सके इसीलिए, है ना? प्लीज अविनाश एक आखिरी मदद मांग रही हूँ तुमसे, इसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, बस एक हेल्प कर दो एक बार प्लीज। थैंक्स यार, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, कहीं भी किसी को भी बताना मत, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चल अब मैं रखती हूँ। क्या मम्मी काम हो गया? अजूनी को फोन चला गया है, अब वो चमको के नंबर का पीछा छोड़ देगी। लेकिन तेरा ये नंबर? हायो रब्बा मम्मी, उसे नहीं पता है कि मेरा नंबर है। देखो ना उसके दो मिस कॉल्स भी आए हैं। अजूनी का मैसेज क्या है? पढ़ती हूँ एक सेकेंड। अविनाश प्लीज फोन उठाओ, जरूरी बात करनी है। मतलब शिकार आप फंस चुका है। डॉली अगर वो तेनू अविनाश समझ रही है ना, तो तू भी उसको अविनाश समझ के बात कर, या फिर जो भी मैसेज वैसेज करते हैं ना वो भेज। हाँ वाह मम्मी क्या मस्त आइडिया दिया है, अभी करती हूँ। सॉरी अभी बात नहीं कर सकता, मैसेज करो। मैसेज आ गया। अविनाश जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ कि अमन भाभी ने उनका राज बता दिया, उनकी वजह से हम थोड़ा बच गए। लेकिन सच बोल रही हूँ अविनाश, अब ये नाटक और नहीं कर सकती मैं। अब इस घर में और नहीं रह सकती मैं। जो भी कुछ हुआ वो अपने प्यार की परीक्षा थी। आगे पढ़ आगे पढ़। हाँ हाँ अपने प्यार की परीक्षा थी, समझ के आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ से ले चलो अविनाश। मम्मी इसका तो मतलब? मतलब क्या पूछ रही है? इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच अभी भी कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मम्मी फिर देरी किस बात की, चलो ना वीर जी को अभी जाके सब कुछ बता देते। आज अरे रे ठंड रख थोड़ी, अभी तो खेल जमने लगा है, अभी थोड़े और सबूत इकट्ठे करते हैं, उसके बाद राजवीर के सामने लाते हैं, फिर देखना राजवीर कैसे उस अजूनी को छोड़ता है। भागना चाहते हैं ना दोनों, उनको भागने देते हैं, फिर रंगे हाथों उन दोनों को पकड़ेंगे
और राजवीर के सामने लेकर आएंगे। डॉली, अब तू एक काम कर, उस अविनाश को यही मैसेज भेज कि आज शाम दोनों भाग चलते हैं, रेडी रहना। भेज भेज, जल्दी भेज, अभी भेज, अभी भेजती हूँ। हो गया काम? हो गया, हो गया। आज शाम होते ही भाग चलते हैं। देख देख क्या मैसेज आया। तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शाम को मिलते हैं, उसके बाद सिर्फ मैं और तुम। अच्छा, तो ऐसी बात है। मम्मी, अब यही मैसेज मैं अजूनी को भेजती हूँ। हाँ हाँ, भेज भेज जल्दी। अजूनी? हाँ अजूनी। मैसेज मिला? हाँ मुझे मिला, मैं आता हूँ। थैंक यू अविनाश। अब देखना, इस बार तेरे पापा उस अजूनी को गोली मार के ही मानेंगे। माँ, आज तक इस घर में मुझ पे बहुत मुसीबतें आई, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैंने हर मुसीबत को हरा दिया। मेरी हर बात पे सवाल उठाए गए, मेरे संस्कारों से लेके मेरी शिक्षा तक, मेरे स्वभाव से लेके मेरे चरित्र तक, हर चीज पे उंगली उठाई गई, पर आपके आशीर्वाद से मैं अपनी इज्जत संभाल पाई। मैं इस घर में आई थी राजवीर से बदला लेने के लिए, लेकिन उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया। आज मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है माँ, राजवीर का गवाया हुआ भरोसा मुझे वापस पाना है। आपसे बस एक ही आशीर्वाद चाहिए माँ, आप हमेशा की तरह मेरे साथ खड़ी रहना। डॉली, राजवीर कहाँ है? मम्मी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? होंगे अपनी वोटी के आगे पीछे। चमको जी, राजवीर ने दोपहर का खाना खाया? नहीं, मैं थाली लेकर गई थी लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। और उसकी वोटी, उसकी वोटी ने खाना खाया? नहीं, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। हरमन, मैंने कितनी बार बोला कि उस मर्जानी का नाम मेरे सामने मत लिया कर, समझ नहीं आती? उसको ना मैंने सिर्फ राजवीर की वजह से इस घर में रखा है, वरना उसे कब का बाहर निकाल दिया होता। ओ महारानी, इधर आ। कहाँ जा रही है? मम्मी जी, वो मंदिर जा रही थी। मंदिर? आधा दिन तो निकल चुका है, अब मंदिर जाके क्या फायदा? और वैसे भी अब भगवान तेरी क्या सुनेंगे? मम्मी जी, आधा दिन ढल गया है लेकिन मेरी मोहलत का आधा दिन अभी भी बाकी है, और मुझे पूरा भरोसा है माता रानी मेरी मदद जरूर करेगी। जाओ मम्मी जी। डॉली,
जिस दिन का हमें इंतजार था ना, वो दिन आ गया है। ये मैडम ना भाग रही है, वो भी उस अविनाश के साथ। मम्मी, हम इसे इतनी आसानी से जाने देंगे? हट, हम इसे ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। लेकिन अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो भी करना है ना वो तेरे पापा करेंगे। तू झूठ बोल सके? मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगी। मैनू बेघर ना करो, मैं किधर जाऊंगी? आड़ में और वहीं मर जा। एक शिखा और मेरे बीच में कोई आया ना, ये मैनू मंजूर नहीं है। अब इस घर में जगह तो क्या, तेनू मेरा नाम तक नहीं मिलेगा। सुन, यहाँ आसपास भटकना मत अब, समझी? वो शिखा आ रही है मेरी वोटी बनके इस घर में, और उसके साये के सामने तो खड़े होने की तेरी औकात भी नहीं है। चल तू निकल यहाँ से, चल निकल। सुनिए ना, अब माफ कर दीजिए प्लीज। जा रही है दुए। खासा मूड बर्बाद कर दिया। भाभी, मैं खुद इस वक्त एक परीक्षा देने जा रही हूं, अगर उसमें पास हो गई ना तो आपको इस घर में वापस जरूर लेके आऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। खुद अपने कानों से सुना है, उस अजूनी ने डॉक्टर अविनाश को फोन किया था और बोल रही थी कि भाग चलते हैं। ओ जी, आज शाम का ही टाइम फिक्स हुआ है भागने का, और अभी बाहर निकली है। अगर ये बात झूठी निकली तो सबसे पहले तुझे गोली से उड़ा दूंगा। नहीं जी नहीं, मैं ना कसम खा के बोल रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने सुना है। क्या डॉली, बताना। हाँ बाबा, हम सच कह रहे हैं। तू सच बोल रही है? अगर तेरी बात सच निकली ना तो मैं उन दोनों को गोली से उड़ा दूंगा।
देखा आपने, मैंने कहा था ना, अब आप अच्छे से ध्यान रखना, वो डॉक्टर किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। पापा जी देखो वो आ गया। कौन है तुम? चुप! तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मम्मी जी, आपने सोचा भी कैसे कि मैं अजूनी को अकेला छोड़ दूंगा? अरे लेकिन ये तो उस डॉक्टर के साथ भागने वाली थी। लेकिन ये झूठ है आंटी जी, ये सब झूठ है, ताकि आप हमारे जाल में फंस सके और आपका सच सामने आ सके।